दोस्तों, बॉलीवुड में कितनी गंदगी, कितनी नफरत भरी है ये हम सभी जानते हैं, और यहाँ कैसे लोगों को बर्बाद किया जाता है ये भी हम आपको कई बार बता चुके हैं। लेकिन कोई इंसान अपने बर्थडे पर रो पड़े, अपने जन्मदिन पर ही उसका दर्द छलक जाए तो इंतहा का अंदाजा लगाया जा सकता है। जी हाँ, उर्मिला मातोंडकर ने अपने जन्मदिन पर अपना मुंह खोला है और बॉलीवुड के गुंडा राज पर खुलकर बड़े खुलासे किए हैं। यही नहीं, उस थप्पड़ की कहानी भी सुनाई है जो उर्मिला को मारा गया था और जिसके कई सालों से लगातार चर्चे हो रहे हैं। यही नहीं, उर्मिला ने 3 लोगों पर करियर खत्म करने का आरोप भी लगा दिया। तो क्या क्या कहा उर्मिला मातोंडकर ने अपने जन्मदिन पर, कैसे पूरी पोल खोल दी, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं कमेंट में। इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बुलंद करें, हमारी आवाज बने। तो उर्मिला मातोंडकर एक दौर में टॉप की हीरोइन हुआ करती थी। हालात ये थे कि उर्मिला के पास 90s के दौर में फिल्मों की डेट्स तक नहीं होती थी। उर्मिला रात रात में भी फिल्मों की शूटिंग किया करती थी। लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसा हुआ कि अचानक उर्मिला को बेहद कम उम्र में फिल्मों से बाहर होना पड़ा। जी हाँ, बहुत ही छोटे से करियर में उर्मिला मातोंडकर को फिल्मी दुनिया से बाहर कर दिया गया और इसके पीछे उर्मिला ने साजिश की बात का खुलासा किया है। 4 फरवरी को उर्मिला का जन्मदिन था और इसी दिन उर्मिला ने ये खुलासे किए। उर्मिला ने मुंबई में एक पोर्टल से बातचीत की जिसमें बहुत सारी बातें बताई। उर्मिला ने पहले तो कहा कि उन्होंने जिन फिल्मों में काम किया उसका उन्हें ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं। उर्मिला मातोंडकर ने सबसे पहले रंगीला का नाम लिया और कहा कि इतनी बड़ी हिट फिल्म रंगीला थी और वो भी जब मैं सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे छोटे कपड़े, मेरी बिकनी के लिए याद किया गया। फिल्म की सफलता का मुझे कोई भी क्रेडिट नहीं दिया गया और सारा का सारा क्रेडिट आमिर खान ले उड़े और जो कुछ बचा हुआ क्रेडिट था वो डायरेक्टर के खाते में चला गया। अब उस फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा थे जिनके साथ उर्मिला का लंबा अफेयर भी चला और लंबे समय बाद उर्मिला ने राम गोपाल वर्मा का जिक्र किया। जी हाँ, ये पहली बार हो रहा था जब उर्मिला रामू का जिक्र कर रही थी। उर्मिला से पूछा गया कि तो क्या रामू ने कभी भी आपको उस फिल्म के लिए क्रेडिट नहीं दिया? तो उर्मिला ने कहा, उस फिल्म का क्या, किसी भी फिल्म के लिए राम गोपाल वर्मा ने मुझे क्रेडिट नहीं दिया और एक तरह से मेरी ये बर्बादी ही थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी जो उर्मिला कह रही थी। हालांकि उर्मिला ने अपने अफेयर पर साफ साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि उनकी ज्यादातर फिल्में राम गोपाल वर्मा के साथ ही बन रही थीं और रामू फिल्म इंडस्ट्री में बहुत लोगों के साथ दुश्मनी बनाए हुए थे और रामू की वजह से ही उन लोगों ने भी मुझे किनारे कर दिया, उन लोगों ने मुझे साइडलाइन कर दिया और यहाँ तक कि मुझे वायलेंस भी झेलना पड़ा। अब यहाँ पर तुरंत ही पोर्टर ने सवाल पूछ लिया कि आप क्या उस थप्पड़ की बात कर रही हैं जो कि राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने आपको मारा था? तो उर्मिला ने कहा कि मैं इस पर कुछ नहीं कह सकती। जी हाँ, उर्मिला ने साफ साफ उस बात को नकारा नहीं, यानी कि इनकार नहीं किया और एक तरह से साफ बता दिया कि उर्मिला को राम गोपाल वर्मा की पत्नी रत्ना ने थप्पड़ मारा था और वो भी रामू के साथ अफेयर के चलते। अब यहाँ पर उर्मिला का ये भी कहना था कि रामू की वजह से फिल्म इंडस्ट्री से उन्होंने अपनी दुश्मनी ली, पत्नी का थप्पड़ खाया, लेकिन फिर भी राम गोपाल वर्मा ने ही उन्हें अपनी फिल्मों से निकाल दिया और बाद में बर्बादी के लिए अकेला छोड़ दिया। उर्मिला ने कहा कि बॉलीवुड में एक तरह से गुंडा राज चलता है, यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती, बड़े बड़े फिल्मकार अपनी फिल्मों में उन्हें ही लेते हैं जो उनके घर जाता है, जो उनकी जी अजूरी करता है, जो उनके साथ पार्टीज में गंदे तरीके से डांस करता है और उनकी चमचागिरी करता है। उर्मिला ने नाम लेकर कहा कि साल 2004 में मेरी उम्र सिर्फ 30 साल थी, लेकिन मुझे तभी फिल्मों से आउटडेटेड मान लिया गया था, मुझे काम देना बंद कर दिया गया था और मेरे बारे में अफवाहें फैलाई गई कि वो अब काम करना नहीं चाहती है, वो ज्यादा पैसे डिमांड कर रही है और वो अनप्रोफेशनल हो गई है और इसीलिए उसको फिल्मों में अब काम मत दो। उर्मिला ने कहा कि मेरे नाम का बॉलीवुड में बाकायदा सर्कुलर निकाला गया और उर्मिला ने कहा कि जो बॉलीवुड के अभी सो कॉल्ड बड़े फिल्म मेकर्स हुए हैं उन्होंने साजिशें करके मैं और मुझ जैसे खुददार एक्ट्रेस को इंडस्ट्री से बाहर कर दिया और इसके लिए डी कंपनी तक का सहारा लिया गया। जी हाँ, ये बड़ा और नया खुलासा भी उर्मिला ने किया। उर्मिला मातोंडकर ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में डर का माहौल बनाया जाता है, हर तरह से डराया जाता है, काम नहीं मिलने का डर, पैसे कम मिलने का डर, करियर खत्म करने का डर, जिंदगी खत्म करने का डर, यानी कि सिर्फ डर के सहारे कुछ लोगों ने अपनी दुकान लगाई और फिर धीरे धीरे उस दुकान को चमकाया और फिर धीरे धीरे बड़े फिल्म मेकर्स बन गए और अब उन्हीं का बॉलीवुड में राज चलता है।
हालांकि उर्मिला ने ये जरूर कहा कि वो अपने करियर से संतुष्ट हैं, लेकिन वो जानती हैं कि उनका करियर और बेहतर हो सकता था, उनको और ज्यादा क्रेडिट मिल सकता था, उनका करियर और शानदार हो सकता था, लेकिन ये हो नहीं पाया क्योंकि इसके पीछे साजिशें रची गईं। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ये सब कुछ उर्मिला अपने जन्मदिन पर बोल रही थी, खुलासे कर रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उर्मिला का दर्द कितना ज्यादा होगा। तो आपका क्या कहना है, क्या वाकई में ऐसा बॉलीवुड में होता है या ये सब कुछ पब्लिसिटी का एक तरीका है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो मुंबई में समीर वानखेड़े ने सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद जो हलचल मचाई, जो एक्शन लिए, वो सालों साल याद रखे जाएंगे, क्योंकि समीर ने बॉलीवुड के चूल्हे हिला दी। यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक सकते में आ गए थे और उसी सरकार के मंत्री नवाब मलिक की तो हालत खराब हो गई थी। लेकिन शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के केस के बाद धीरे धीरे समीर वानखेड़े को पहले केस से हटाया गया और फिर समीर का डेप्यूटेशन भी वापस ले लिया गया और समीर वानखेड़े को वापस से अपने रेवेन्यू सर्विस में भेज दिया गया। लेकिन हालात ये थे कि मुंबई में नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच जुबानी जंग कहां थमने वाली थी और जुबान से ज्यादा ये जंग कई और ज्यादा आगे बढ़ गई और नवाब मलिक समीर वानखेड़े एक दूसरे पर तरह तरह के आरोप लगाने लगे, तरह तरह के बयान देने लगे। यहाँ तक कि मामला कोर्ट तक पहुँच गया, मानहानि का मामला हो गया। अब नया और बड़ा एक्शन ये हो गया है कि मुंबई में समीर वानखेड़े के होटल रेस्टो बार का लाइसेंस कैंसिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नवाब मलिक समीर के जिस होटल के पीछे पड़े हुए थे उसका लाइसेंस फाइनली कैंसिल कर दिया गया है। हालात ये हैं कि अब समीर वानखेड़े का ये बार और रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसका लाइसेंस ही कैंसिल हो गया है। आरोप है कि 1997 में समीर वानखेड़े के नाम पर इसका जब लाइसेंस दिया गया था तो तब समीर वानखेड़े की उम्र 18 साल नहीं थी बल्कि 17 साल और 10 महीने थी और इस पर लंबे समय से नवाब मलिक की नजर थी। नवाब मलिक ने ही इसे लेकर खुलासा भी किया था और अब नवाब मलिक के ही जरिए समीर वानखेड़े की ये पुरानी दुकान बंद हो गई है। अब बड़ी बात यह है कि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जी हाँ दोस्तों, नवाब मलिक ने बड़ी कार्रवाई जरूर करवा दी, समीर वानखेड़े के बार और रेस्टोरेंट्स के लाइसेंस को कैंसिल करवा दिया, मगर यहाँ पर यह कार्रवाई उल्टी भी पड़ सकती है जिसकी दो वजहें साफ साफ दिख रही हैं और लोगों ने इस फैसले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोगों का कहना है कि 1997 में जो गलत काम हुआ उस पर एक्शन अब कैसे हो सकता है, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है, एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा सकता है या फिर कुछ और एक्शन हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से लाइसेंस कैंसिल नहीं हो सकता और जो बार और रेस्टोरेंट अभी पूरे नियम कायदों के साथ चल रहा है, पूरे रूल्स फॉलो कर रहा है, उसे अभी की डेट में कैसे रद्द कर सकते हो, लाइसेंस कैसे बंद कर सकते हो?